नमस्कार, क्राइम कंट्रोल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। बेटा एक लड़की से मोहब्बत करता था, उसने प्रेमिका से कोर्ट मैरिज कर ली, तो उसमें उसके पिता की क्या गलती थी? लेकिन यूपी पुलिस अक्सर कानून और नियमों को ताक पर रख देती है। आरोप है कि लड़की पक्ष की शिकायत पर पुलिस प्रेमी के पिता को पकड़ ले आई और उन्हें बेरहमी से पीटा, जिससे पुलिस कस्टडी में ही उनकी मौत हो गई। क्राइम कंट्रोल में आज हम बेरहम खाकी की करतूत से पर्दा उठाएंगे। बाराबंकी में पुलिस पर बुजुर्ग शख्स की पीट पीट कर हत्या करने का संगीन आरोप लगा है। बुजुर्ग के बेटे पर गांव की एक लड़की को भगा ले जाने का आरोप है। लड़की को बरामद करने के लिए पुलिस बुजुर्ग को पकड़कर चौकी ले आई थी, इसी दौरान उसकी मौत हुई। मौत कैसे हुई ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन अपनी करतूत के चलते पुलिस चौतरफा घिर गई है। गांव में हर तरफ कोहराम मचा हुआ है। पिता की मौत पर बिलक रही बेटी के आंसू नहीं थम रहे। गांव के बाहर सुलग रही बुजुर्ग की चिता की आग ढेरों सवाल पूछ रही है। सवाल उस पुलिस प्रशासन से है, जिस पर परिवार के सिर से पिता का साया छीन लेने का संगीन आरोप लगा है। बेटी का कहना है कि पुलिस ने उन्हें बेरहमी से पीटा, जिससे उनकी मौत हो गई। बुजुर्ग के बेटे पर एक लड़की को भगाकर शादी करने का आरोप है, जिसके चलते पुलिस उन्हें पकड़कर चौकी ले गई थी, जहां उनकी तबीयत बिगड़ी और बाद में मौत हो गई। वो मारे पीटे और पुलिस वाले साथ में रहे और इन्होंने सबको रहे मार का मरते मरते मार डाले सबको, तो कैसे सड़क पर लेटा है दी। मोहड़िया के रे और भैरमपुर के बीच में है, कोई फड़न नहीं, गांव का फड़न नहीं है, कोई नहीं है। और पैर में अंगोछा बांधा रहा था, उनके घोड़े में दर्द रहे, ये सब चाट वाट ये सब लगी रहे। सनसनीखेज घटना थाना रामनगर इलाके के महादेवा चौकी की है। माधोपुर में रहने वाले बुजुर्ग बाबूराम यादव को पुलिस घर से पकड़कर अपने साथ ले गई थी। बाबूराम के बेटे लक्ष्मण पर रिश्तेदार की बेटी को घर से भगाकर शादी करने का आरोप है। लड़की पक्ष की शिकायत पर पुलिस बाबूराम पर बेटे को हाजिर करने का दबाव बना रही थी। एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था, इस कारण से उसको भगा ले गया कोर्ट मैरिज करके, तो उसी के खिलाफ उन्होंने याचिका दायर की थी, तो उसी पुलिस आई, इनको गिरफ्तार कर ले गई। और गिरफ्तार करने के बाद में सर उनको चौकी रामनगर थाने की पुलिस आई, वहाँ का मामला दर्ज था, इसलिए रामनगर की पुलिस ले गई और वहीं इनको ये अगले दिन इनका ये मर्डर मिला और चोट के निशान थे, पैर में अंगोछा बंधा था। पुलिस हिरासत में शख्स की मौत से हर तरफ हड़कंप मच गया। गांव वालों ने हंगामा शुरू कर दिया, तो कई थाने की पुलिस पहुंची और रात में ही शव को जला दिया। घर वालों का आरोप है कि पुलिस ने चौकी में ले जाकर उन्हें बेरहमी से पीटा। शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे, जबकि पुलिस का कहना है कि मौत की वजह हार्ट अटैक है। बेटे की गलती की सजा बेकसूर पिता को दिए जाने से गांव के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। तिलक लेके गए, उन्होंने जब वापस आ रहे थे तो उनको लाश मिली, उन लोगों ने मांगा, उनको लाश नहीं दी, अपने थाने को लौटा ले गए। फिर थाने से लौटा ले जाने के बाद लगभग हम लोग वहाँ पहुँच भी नहीं पाए और बाराबंकी चील घर ले चले। 3 बजे लगभग फूंक दी रात में। गांव के जो जोर हुआ, लोग सब मना किए, उनकी बात कोई नहीं मानी, कई थानों की पुलिस आ करके जबरदस्ती लाश फूंक दी। बड़ा सवाल ये है कि जब लक्ष्मण ने कोर्ट मैरिज की थी तो फिर पुलिस उसके पिता को पकड़ कर क्यों ले आई? घटना के बाद से चौकी में ताला डालकर आरोपी पुलिसकर्मी भी फरार हैं। आला अधिकारियों को इस मामले में अब जवाब देते नहीं बन रहा। दोनों पक्ष यादव हैं और ये हुआ कि लड़की, ये भी सुनने में एक लड़की ने संभवतः कोर्ट मैरिज भी कर ली है, तो दोनों पक्षों में आम सहमति बनाए जाने के लिए दोनों को बुलाया गया था। वो लोग चौकी
आ रहे थे कि रास्ते में उसकी तबीयत खराब हो गई थी, तो उसको हॉस्पिटलाइज किया गया था। उनके परिजनों द्वारा ही किया गया था, उसके साथ जो लोग थे। हॉस्पिटल जाने के दौरान उसकी मृत्यु हुई। बाबूराम के घर वाले आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। क्राइम कंट्रोल के लिए बाराबंकी से सरफराज वारसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। झांसी में जंगल से दो युवकों के शव मिले तो हड़कंप मच गया। धारदार हथियार से गला रेत कर दोनों की हत्या की गई थी। दोहरे हत्याकांड को किसने और क्यों अंजाम दिया यह अभी तक साफ नहीं है, लेकिन मौकाए वारदात से बरामद पूजा के सामान से आशंका जताई जा रही है कि तंत्र मंत्र के लिए दोनों की हत्या की गई। फिलहाल पुलिस सनसनीखेज वारदात की जांच में जुटी है। जंगल में दोहरे हत्याकांड की खबर फैली तो सनसनी मच गई। लोगों ने खून से लथपथ शवों को देखा तो पुलिस को वारदात की खबर दी। धारदार हथियार से गला रेत कर दोनों युवकों की हत्या की गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया और हत्याकांड की जांच पड़ताल में जुट गई। लेकिन दोनों युवक कौन थे और उनकी हत्या किसने और क्यों की, ये सवाल हर किसी को हैरान कर रहा था। काफी मशक्कत के बाद शवों की शिनाख्त हुई, लेकिन घटनास्थल से बरामद सिंदूर और पूजा के सामान ने हर किसी को हैरान कर दिया। दोहरे हत्याकांड की वारदात थाना एरच के पठा इलाके की है। यहां जंगल से दो शव बरामद हुए थे। मृतक युवकों की पहचान माधव और राहुल के रूप में हुई है। दोनों गुड़सराय थाना इलाके के बसनेई गांव के रहने वाले थे। दोनों जंगल में क्यों आए और उनकी हत्या किसने की, पुलिस इसकी जांच पड़ताल में जुटी है। मौकाए वारदात पर खून, सिंदूर, राख और पूजा का सामान बिखरा पड़ा मिला है, जिससे तंत्र मंत्र की आशंका जताई जा रही है। आसपास के इलाकों में चर्चा है कि बलि के लिए दोनों की हत्या की गई। पुलिस का भी कहना है कि पहली नजर में मामला ऐसा ही लग रहा है, लेकिन हत्याकांड का सच घर वालों से पूछताछ और पूरी पड़ताल के बाद ही सामने आएगा। एरज के पठा गांव में दो डेड बॉडीज मिली थी। ये बाद में इनकी शिनाख्त हुई है, जो गुरसराय थाने के अंतर्गत भसने गांव है, वहां के रहने वाले माधव और राहुल के रूप में इनकी शिनाख्त हुई है। और घटनास्थल को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी हत्या किसी शार्प वेपन से की गई है, और घटनास्थल पे काफ़ी पूजन की सामग्री भी मिली है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि कोई तंत्र मंत्र का प्रकरण है, ऐसा अभी तक की जांच से लग रहा है। शवों का पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस दोहरे हत्याकांड की जांच में जुटी है। आसपास के इलाकों में रहने वाले तांत्रिकों से पूछताछ की जा रही है। सर्विलांस और मुखबिरों की भी मदद ली जा रही है। दोनों की हत्या तंत्र मंत्र के लिए की गई या फिर साजिश के तहत इसे दूसरा एंगल देने की कोशिश की गई, इन तमाम सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आ पाएंगे। क्राइम कंट्रोल के लिए झांसी से कुलदीप अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। सूबे में सरकार तो बदल गई, लेकिन अपराध की घटनाओं पर कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आता। बेखौफ अपराधियों ने घर में घुसकर अकेली बुजुर्ग महिला पर हमला कर लूटपाट की, और जाने से पहले शातिरों ने महिला की हत्या भी कर दी। मौके पर पहुंचे पुलिस ने वारदात में किसी करीबी के शामिल होने की आशंका जताई है। जमीन पर पड़ा यह शव बुजुर्ग महिला का है, जिसे इसके घर में ही मौत के घाट उतार दिया गया। वारदात की भनक लगी तो आस पड़ोस के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। सभी के जहन में एक ही सवाल था, आखिर बुजुर्ग महिला से किसी की क्या दुश्मनी थी, किसने उसे मौत के घाट उतार दिया। महिला अपने घर में अकेली ही रहती थी। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर बदमाशों को कैसे पता चला
कि वो घर में अकेली ही है। वारदात के पीछे किसी करीबी का हाथ होने की आशंका है। हत्या की वारदात बबीना थाना इलाके के पटवारी मोहल्ले की है। बुजुर्ग महिला की हत्या की खबर फैली तो इलाके में सनसनी फैल गई। पड़ोसियों ने देर शाम महिला पुष्पा जैन के घर का दरवाजा खुला देखा। लोगों ने अंदर जाकर देखा तो सन्न रह गए। कमरे में पुष्पा की लाश पड़ी थी और घर का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। हैरान परेशान लोगों ने पुलिस को मामले की खबर दी। मृतक पुष्पा जैन के पति की पहले ही मौत हो चुकी थी। उनके बच्चे भी घर से बाहर रहते हैं, लिहाजा वो अपने घर की ऊपरी मंजिल पर अकेली ही रहती थी। आशंका है कि उन्हें घर में अकेला पाकर बेखौफ बदमाशों ने लूट की साजिश रची थी। लेकिन शातिरों ने बुजुर्ग महिला की हत्या क्यों की? कहीं ऐसा तो नहीं कि आरोपी करीबी ही थे और पहचाने जाने के डर से उनकी हत्या कर दी? जिस कमरे में शव पड़ा था उसमें बाहर से ताला लगा था। जिस तरह से आरोपी घर में दाखिल हुए और फिर ताला लगाकर फरार हो गए, उससे इतना तो साफ हो गया है कि छात्रों को घर के बारे में पूरी जानकारी थी। तभी तो बदमाशों के घर में घुसने और महिला के कत्ल की किसी को भनक तक नहीं लगी। पुष्पा देवी जो अपने मकान में अकेले रहती थी, करीब 70-80 साल की एज है, इनके अकेली रह रही थी। आज ये अपने कमरे में अवस्था में पड़ी हुई थी और फिर ये लोगों के पास चुकी है। कहीं जाँच की जा रही, पोस्टमार्टम होगा किस तरीके से मौत हुई है और जाँच जारी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच पड़ताल में जुट गई। लेकिन वारदात की वजह और आरोपी कौन है, ये जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगा। क्राइम कंट्रोल के लिए झांसी से कुलदीप अवस्थी, न्यूज टेड उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। सात फेरों के साथ जुड़े रिश्तों को उसने 7 दिन भी नहीं निभाया। प्यार, जज्बात और भरोसे के साथ ऐसा खिलवाड़ किया कि पति और उसका परिवार सदमे में डूब गए। ससुराल वालों को दूध में नशीली दवा पिलाकर फरेबी दुल्हन ने लाखों के गहने और नकदी पर हाथ साफ किया और रफू चक्कर हो गई। घटना बुलंदशहर की है। पुलिस लुटेरी दुल्हन और उसके गैंग की तलाश में जुटी है। अधिकारियों के दर पर चक्कर काट रहे इस युवक की जिंदगी मजाक बनकर रह गई है। युवक का नाम सोनू है और ये विकलांग है। सोनू ने शादी और खूबसूरत जिंदगी के सपने देखे थे, लेकिन शातिर दुल्हन और उसके गैंग ने इसे फरेब के जाल में ऐसा फंसाया कि अब ये इंसाफ के लिए भटक रहा है। 7 फेरे और 7 दिन की दुल्हन, शातिरों के जाल में फंसा परिवार, गहने लेकर दुल्हन हो गई फरार। विकलांग होने की वजह से सोनू को शादी की उम्मीद नहीं थी, लेकिन गांव के एक युवक और उसके साथी ने उसे सपने दिखाए। सोनू के मुताबिक उसकी शादी हुई, दुल्हन भी घर आई, लेकिन 7 दिन बाद ही दुल्हन घर से गहने और नकदी लेकर रफू चक्कर हो गई। मेरे गांव के योगेश त्यागी ने मिलकर, लोकेश त्याग ग्राम रहने वाला, इन्होंने 3 लाख रुपये शादी तय करी थी। गरीब घर की लड़की है, 3 लाख रुपये देने पड़ेंगे, तुम्हारी शादी करा देंगे। इनको 3 लाख रुपये देने शादी करी, लेकिन इन लोगों ने शादी सुधा शादी करा दी। अभी जो 6 महीने पहले बताती थी कि 6 महीने जेल में रह चुकी हूँ, उसके बाद मैंने इन लोगों से, ये लोग बोले कि तुम कदम वापस चले, तेरे गोली मार देंगे, नहीं तेरे परिवार गया तो उसको झूठे कैसे फंसा देंगे। और उसके बाद ये लोग आए और उसको लेकर चले गए। जो मकान इन लोगों ने उसको बताया था, वो मकान भी रॉन्ग किराए पर था, वो एड्रेस भी रॉन्ग है सर, वो कोई नहीं मिला। जालसाजी की घटना थाना सियाना इलाके के फिरोजपुर की है। पीड़ित सोनू के मुताबिक गांव के युवक योगेश ने उसकी शादी कराने का वादा किया और कहा कि लड़की गरीब है, इसलिए शादी का खर्च उन्हें ही उठाना पड़ेगा। आरोपियों ने इसके लिए 3 लाख रुपए मांगे। सोनू के पिता ने उन्हें 3 लाख रुपए दिए। शादी की रस्में हुई और दुल्हन ससुराल आ गई, लेकिन एक दिन घर वालों को नशीली दवा खिलाकर वो साथियों के साथ फरार हो गई।
माता पिता को पता नहीं, दो दिन कुछ दिया था, मुझे भी दिया था, मेरे माता पिता को भी दिया था, सभी दिया। उसके बाद पापा की तबियत जब खराब हो गई, हमने योगेश को बोला, मैंने भाई ऐसी बात, उसने क्लियर मन कर दिया, ऐसा नहीं कर सकती। क्या चाहते हो आप? हमें चाहते इन्हें सजा मिलनी चाहिए, मेरा पैसा मिलना चाहिए, विकलांग आदमी, मेरे बाप मैं पता कब क्या हो जाए, मेरी जिंदगी मेरे बाप कमाई चलेगी सारी। पीड़ित सोनू के मुताबिक दुल्हन पहले से ही शादीशुदा थी और जेल भी जा चुकी थी। आरोपियों ने पूरी प्लानिंग के तहत उसे फंसाया और रुपए ऐंठे। सोनू और उसके परिवार को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ ऐसी साजिश रची जाएगी। पुलिस का कहना है कि महिला और उसके साथियों का पूरा गैंग है जो ऐसे लोगों को फंसाते हैं जिसकी शादी नहीं हो रही होती है और फिर गहने और नकदी लूटकर फरार हो जाते हैं। इसमें सोनू नाम का लड़का जो विकलांग है, उसके गांव के बिचौलिए ने 3 लाख रुपए लेके एक लड़की से शादी कराया औरत से, जिसका बाद में पता चला कि वो पहले जेल वगैरह में रह के आई, कुछ कोई ऑर्गेनाइज रैकेट है। इसमें उससे शादी हुई, उसके बाद में उसी रात में पूरा सामान लेके घर के वो लोग भाग गए वहाँ से, और उसके बाद पुलिस को संज्ञान में आया, पुलिस ने मुकदमा लिखाया और उसमें जो गैंग के सदस्य हैं और जो लड़की है उन लोगों को हम लोग गिरफ्तार करके और उसका पैसा बरामद करने का प्रयास कर रहे हैं। अपने साथ भी जालसाजी से सोनू बेहद परेशान है। घर की गाढ़ी कमाई भी लुट चुकी है। उसने आरोपियों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कराई, लेकिन दबंग आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, जिससे परेशान पीड़ित ने SP सिटी के दफ्तर पर गुहार लगाई। घटना कर चुका हाँ, उसमें कुछ लोग नाम संदिग्ध नाम थे वो प्रकाश में आए और उनको ट्रेस भी हुआ, उनको हम लोग शीघ्र गिरफ्तार कर लेंगे। गिरफ्तार करके कोशिश करेंगे कि उसकी जो वाइफ है उसको भी बरामद करें, पैसे भी बरामद करें, उन लोगों के खिलाफ कानून कार्रवाई करें। SP ने फरीबी दुल्हन और उसके गैंग को पकड़ने का आश्वासन दिया है, लेकिन देखना यह है कि पुलिस शातिर गैंग को कब पकड़ पाती है। क्राइम कंट्रोल के लिए बुलंदशहर से नदीम खान, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। यूपी में अपराधी इस कदर बेखौफ हैं कि सरेआम लूट पाट कर फरार हो जाते हैं, बाद में पुलिस हवा में हाथ पैर मारती नजर आती है। मैनपुरी में बाइक सवार बदमाशों ने स्कूटी सवार शख्स से लूटपाट की और फरार हो गए। शातिरों की तस्वीर रास्ते में लगे CCTV में कैद हुई है। पुलिस तस्वीरों के जरिए आरोपियों की तलाश में जुटी है। दिन दहाड़े लूट की वारदात से हड़कंप मचा हुआ है। बाइक सवार शातिरों ने तमंचे के दम पर स्कूटी सवार युवक से मोबाइल और सोने की चेन छीन ली। जब तक पीड़ित शोर मचाता और लोग उसकी मदद के लिए आते, आरोपी फरार हो चुके थे। सरेआम लूट की खबर फैली तो मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने पुलिस को लूट की खबर दी, लेकिन बदमाशों को पकड़ने की कोशिश कामयाब नहीं हुई। हालांकि बाइक सवार लुटेरों की तस्वीर गली में लगे CCTV में कैद हुई है। आरोपी बाइक पर भागते हुए साफ नजर आ रहे हैं। चेन छीन लेके मोबाइल लेके हमारे कट्टा दिखा के यहाँ पे कहाँ जा रहे थे? अपने घर से पंजाबी कॉलोनी जा रहा था घर से अपने। कितने लोग थे? 3 लोग थे। वो किसके थे? मोटरसाइकिल। लूट की वारदात सदर कोतवाली इलाके के खरकजीत नगर की है। शहर में रहने वाले निखिल गुप्ता अपनी स्कूटी से पंजाबी बाग कॉलोनी जा रहे थे। वो जैसे ही खरकजीत नगर के एक स्कूल के पास से गुजरे, सामने से आ रहे बाइक सवार 3 बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और धमकी देते हुए लूटपाट की। सनसनीखेज घटना से लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। लूट की इस वारदात ने सुरक्षा के दावों की पोल खोल दी। स्कूल के पास से जा रहे थे तो पीछे से 3 लड़के आते हैं मोटरसाइकिल से और रुकते हैं, तो उसको रोकते हैं, उनकी मोटरसाइकिल की चाबी निकाल लेते हैं और उसको चैन और उसका मोबाइल छीन लिया गया। सुना है बाद में उन्होंने तमंचे भी दिखाया, तमंचे के बल पर लूट की। ये बात अभी नहीं पता चल रहा है इसका, जब
जांच की जाएगी तो पता चलेगा क्या किया है। पुलिस की कोशिश के बावजूद अपराधी बेखौफ हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि बदमाशों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। क्राइम कंट्रोल के लिए मैनपुरी से मनोज शाक्य, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। क्राइम कंट्रोल में अब आपको दिखाते हैं अपराध की कुछ और अहम खबरें क्राइम टॉप 5 में। मैनपुरी में सोमवार को महिला की हुई हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी वसीम समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी पकड़ से बाहर है। इनके पास से वारदात में इस्तेमाल रिवॉल्वर बरामद हो गई है। जमीन के विवाद में अनीशा नाम की महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद इलाके के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था, फिर एक आरोपी वसीम की पुलिस चौकी में ही धुनाई कर दी गई थी। पुलिस ने किसी तरह से लोगों को शांत करवाया था। ये घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई। आगरा के लोहा मंडी इलाके में दवा कारोबारी सुनील ने पहले पत्नी अंशु राजपाल की गोली मारकर हत्या कर दी और कई घंटे बाद फांसी लगाकर खुदकुशी भी कर ली। मौके से एक सुसाइड नोट मिला है जो सुनील का लिखा हुआ है। इसमें सुनील ने पत्नी की हत्या की जिम्मेदारी ली है, लेकिन इसमें ये नहीं लिखा कि उसने वारदात को अंजाम क्यों दिया था। सुनील की जयपुर हाउस में इंडिया केमिस्ट के नाम से दवा की दुकान है। केस दर्ज होने के बाद पुलिस कई एंगल से मामले की जाँच कर रही है। मैनपुरी में प्रेमी जोड़े का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना करहल इलाके के चंद्रपुर गांव की है। राम शरण और शीला के पिछले एक साल से प्रेम संबंध थे। राम शरण शादीशुदा था और उसके दो बच्चे भी थे। बताया जा रहा है कि दोनों को अवैध संबंध के लिए काफी समझाया गया, लेकिन वो नहीं माने। एक कोठरी से प्रेमी जोड़े के शव बरामद हुए। अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि उन्होंने खुदकुशी की या फिर मामला हत्या से जुड़ा है। पुलिस ने फिलहाल जाँच तेज कर दी है। मेरठ का प्रतिष्ठित मेरठ कॉलेज गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। मंगलवार सुबह जब छात्र छात्राएं कॉलेज से एग्जाम देकर घर जा रहे थे, तभी एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग की आवाज से लोग दहशत में आ गए। फायरिंग की आवाज सुनकर कॉलेज के प्रिंसिपल और सभी प्रोफेसर बाहर निकल आए, लेकिन तब तक सभी आरोपी हवा में तमंचा लहराते हुए फरार हो गए। गोलीकांड के बाद भाग रहे एक आरोपी का तमंचा भी वहीं गिर गया। बताया गया कि अंबर और अल्तमस नाम के दो छात्रों पर यह हमला किया गया है। हमला करने का आरोप अमित खजूरी और अभिषेक नाम के दो छात्रों सहित दर्जन भर छात्रों पर है। पीड़ित छात्रों का कहना है कि उन पर एक युवती से बात करने की वजह से हमला किया गया है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने जोला गांव के जंगल में छापेमारी कर हथियारों का जखीरा पकड़ा। मौके से पुलिस ने कई हथियार बनाने वाले उपकरण भी बरामद किए हैं। अवैध तमंचा फैक्ट्री का खुलासा करते हुए पुलिस ने दो आरोपियों को भी धर दबोचा। आरोपी 400 रुपए में तमंचा तैयार करते थे, फिर उसे 1500 रुपए में बेच देते थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। झांसी में डबल मर्डर हुआ। बाराबंकी में पुलिस कस्टडी में बुजुर्ग की मौत हो गई। मैनपुरी में दिन दहाड़े लूट की वारदात सामने आई। सरकार के कड़े रुख के बावजूद ना तो पुलिस सुधर रही है ना अपराधी। लिहाजा जरूरत है हर वक्त हर जगह सतर्क रहने की। क्राइम कंट्रोल के जरिए जुर्म से लड़ने के लिए हम आपको ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे। आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।